हेलो सत श्रीकाल, वेलकम टू बी रॉयल ओरिजिनल। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मेरठ के बड़े वो दिखा रहे थे और उसके बाद सडनली गायब। एक्चुअली वहाँ से आने वाले दिनों में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मुझे इन्फेक्शन हो गया था तो बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। बस किसी तरह घर पहुँचे और उसके बाद तो अपना ट्रीटमेंट शुरू कराया। तो वहाँ भी मैंने ली थी दवाई, बड़े होता है ना एक जो मेरा एक ही डॉक्टर है शुरू से, तो फिर मैंने उसको भी दिखाया तो उसने 2-3 दिन का रेस्ट बोला मुझे। तो फिर इतनी हिम्मत ही नहीं होती थी, उठती थी थोड़ा काम करती थी फिर लेट जाती थी। और हनु को तो स्कूल भेज ही रही थी पर वो शूट करने का नहीं हो पा रहा था और गुरुद्वारे भी नहीं गई, बल्कि मैं हस्बैंड ही लेके जाते थे हनु को। अब वो तो नहीं कर सकते, बच्चे को भी देखना और साथ साथ शूट करना तो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसलिए फिर आज थोड़ा मुझे बेटर लग रहा था, मैं हस्बैंड अब ठीक है चलो उठो तैयार हो चलो गुरुद्वारा साहब चलते हैं। तो फाइनली मैं उठी, थोड़ा तैयार हुई, मैं कहा चलो चलते हैं, बाबा जी अपने आप हिम्मत देंगे। अब रात का लॉकडाउन भी लग गया है, वैसे भी हम 10 बजे तक ही घर आते थे जाते भी थे, अब थोड़ा हो गया कि टाइम से निकलेंगे। अभी टाइम हो रहा है 7:30, मैं तैयार हुई हूँ, 8 बजे तक हम शायद निकलेंगे क्योंकि हस्बैंड का शिफ्ट है। और मम्मी के घर में इतने दिन हो गए, मतलब मेरठ से भी पहले मैं सोच रही थी जाने के लिए, आप लोगों को बोला भी था कि गई तो मैं शूट करूँगी बट हो ही नहीं पाया। वहाँ भी होके आ गई, मम्मी भी गई थी कि आ जा मिल जा 2 मिनट के लिए हनु को मिला दे पॉसिबल, आज देखूँगी हिम्मत, क्योंकि उनका घर 2nd फ्लोर पे है और स्टेयर्स को ना आलस आता है कि यार कौन चढ़े, तो देखती हूँ अगर हिम्मत हुई तो जाऊँगी थोड़ी देर मिलने के लिए या फिर नीचे बुला लूँगी अगर पॉसिबल हो पाया तो। तो ऑल सेट टू गो, हनूर भी रेडी है, हनूर के पापा भी रेडी हैं, तो मिलते हैं गुरुद्वारा साहब में। एंट्री होते ही पहले हनूर को प्रसाद मिल गया, अभी हमारी एंट्री भी नहीं हुई है। प्रशासन वालों रात 10 बजे लॉकडाउन लगा दिया जाता है, इस कारण चुके हैं, मम्मी के घर की तरफ जा रहे हैं। पता नहीं शूट कर पाऊंगी, कितनी डिपेंड करता है उन पे कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, हर किसी को थोड़ा प्राइवेसी इशू भी होता है। लेट्स सी। सो वी रीच मम्मी के घर, पार्किंग खोलनी है, स्कूटी अंदर लगा के जाएंगे बिकॉज फिर अंदर गाड़ी वगैरह लगानी होती है ना, फिर बैल मारते हैं कि स्कूटी हटाओ, इससे पार्किंग में लगा के जाना ही सही रहता है। चलो ऊपर मिलते हैं। तो हम जनरली ऐसे ही करते हैं, स्टेयर्स चढ़ते हैं
और नॉक करके ना दरवाजे के बाहर ना इसको खड़ा कर देते हैं। मम्मी जैसे दरवाजा खोलती हैं तो कहते गाइस, इसको खड़ा कर दिया, ये खुद ही नॉक कर रही है आज, खोलो खोलो नूर आइए, बेल मार दो। तो एज आई टोल्ड यू थोड़ा सा प्राइवेसी इशू है तो वीडियो का तो नहीं हो पाएगा, किसी को ले नहीं सकती उसमें, तो थोड़ा सा ऐसे मेरा घर तो थोड़ा बैठे हैं तो उसके बाद हम थोड़ा कुछ खाने आ गए हैं जेल रोड पे, हस्बैंड का फेवरेट चिकन शोरमा उन्होंने वो ऑर्डर करा है, मैं देखती हूँ अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, पेट तो भरा हुआ है पर कंपनी देनी पड़ेगी, तो मैं सोच रही हूँ मे बी मोमोज खा सकती हूँ, बहुत दिन हो गए, लोग कहेंगे अभी इन्फेक्शन से उठ के उठी और फिर क्या करो, कोई खा रहा होता है तो फिर मन तो करता है ना, कुछ कहेंगे आज आपने कुछ भी नहीं कहा, कुछ तो कहिए, नहीं नहीं बस इंजॉय करो गाइस, कब लॉकडाउन लग जाए पता नहीं। ओए हाय, हस्बैंड का तो आ गया चिकन शोरमा, मेरे मोमोज अभी आएंगे, अनूर को जाना है खेलने, रोड पे भागती है, बच्चों को सीट रखना पड़ता है रोड वोड पे ना भागे। यार मोमोज इतने टेस्टी थे ना, आई कांट टेल यू, मैंने फर्स्ट टाइम इनके ट्राई करे हैं, बहुत टेस्टी थे, और चटनी प्लेट इसने उठा ली आई थी, बिल्कुल ऑथेंटिक जैसे होती है ना, बिल्कुल रेड चिली जो सूखी वाली उसको कूटी हुई थी, इधर प्लेट हमारी पड़ी है मैं दिखाती हूँ, ये देखो बिल्कुल वो टमाटर वाली और वैसा कुछ नहीं था, ये जो होती है ना बिल्कुल चले घर, टाइम देखना नहीं 10 तो अब तो ये देखना पड़ेगा कहीं 10 तो नहीं बजे, दिल्ली में कल से रात को 10 बजे से लॉकडाउन स्टार्ट, पेट ठीक रहे बस, लॉकडाउन क्या कर्फ्यू कहते हैं, 10 बजे के बाद नाइट का, हाँ नाइट लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू क्या, हाँ तो बस 10 बजे से पहले पहले खा के घर पहुँचना है, खा तो चुके हैं बस घर निकलते हैं, कान नाक मुंह सबसे ज्यादा इतनी स्पाइसी थी, इतनी स्पाइसी आई कांट टेल यू। तो अब एक काम करते हैं, तिलक नगर का मशहूर इन्हें वो फलूदा वाले के पास दूध होता है वो पिलाते हैं, बट आई प्रेफर कुल्फी, मुझे कुल्फी बहुत अच्छी लगती है, कुल्फी के ऊपर जो वो चलो आपको डिप करके रबड़ी लगाते हैं, कुल्फी दिखाते हैं अब आपको, ठीक है हाँ चल रहे, तो चले चले अच्छा रहा फूड एक्सपीरियंस, तो हम चले अभी तिलक नगर मार्केट की तरफ चलते हैं, देखते हैं, वैसे मैं मेरा स्वीट टूथ है, मेरे को तो मैं बहुत स्वीट लवर मीन्स ऐसे नहीं कि मिठाई खानी हो, मिठा कुछ भी खाऊँ ना तो उसके बाद मीठा होना ही चाहिए, और स्पेशली गुड़ और चीनी तो बिल्कुल भी नहीं कुछ स्पेशल, तो ये मुझे कह रहे हैं कि अब मेरे को ना कुछ देना पड़ेगा तभी तेरा CCC बंद होगा, अब ये शायद मीठे के लिए CCC हो रहा है या वैसे हो रहा है पता है, बट मेरे को तो खाना है, और इस टाइम पे तो आइसक्रीम होता है या जलेबी होता है, जलेबी तो नहीं क्योंकि पेट बहुत भर गया, हैवी नहीं करना, तो कुल्फी प्रेफर करेंगे, और मे बी शायद ये दूध लेंगे, देखते हैं आपको। अब हम जा रहे हैं तिलक नगर, अभी हम जेल रोड पे थे और गुरुद्वारे गए, मम्मी के घर गए, थोड़ी देर बैठे, फिर वहाँ पर भी खा पी लिया था थोड़ा बहुत, वहाँ तो हेल्थी खाया था, फ्रूट फ्रूट कस्टर्ड ये सब, पर घर से माइंडसेट करके आए थे कि खाना है कुछ, तो देखो मार्केट पूरी क्लोज हो चुकी है, बिल्कुल पूरी मार्केट क्लोज हो चुकी है इस टाइम पे, और अभी टाइम पता नहीं कितना हुआ, टाइम अभी 9:30 हुए हैं पूरे, और धोखा हुआ है हमारे साथ बहुत बड़ा कि एक भी कुल्फी, यहाँ पर एक चौक पे यहाँ बैठा होता है भैया, एंट्री पे बैठा होता है, कोई भी नहीं है, मतलब पता नहीं, जेल रोड पे तो लग रहा था भैया कि पूरा कहीं से भी नहीं लग रहा था कि अभी दुकान रेडी वाले हैं ना, तो इन्हें भी घर भी लेके जानी है रेडी, हाँ मे बी शायद के घर दूर है और हाँ। लेके जानी है तो टाइम उतना हो जाएगा, बट हम क्या करें, हमें तो मिर्ची लग रही है ना, हमें तो खाना है कुछ, देखते हैं नहीं कुछ हुआ तो फिर वो आइसक्रीम वाला खड़ा तो मिल ही जाएगा,
देखते हैं, लेट्स सी, भटकाना तो है यार, मेरा तो पूरा ही नहीं होता। हर बारी पता क्या होता है, मेरी तबीयत खराब होती है, कुछ ऐसा होता है ना, तो सोचते हैं कि नहीं खाएंगे, कुछ नहीं खाएंगे। एक तो आते हैं और इनका तो चिकन शोरमा फेवरेट है, ये खाते हैं, और फिर हमारे बीच में आज भी हमारी लड़ाई हुई है ज़बरदस्त। मैं थोड़ा अवॉइड कर रही थी कि नहीं, कहते कि फिर मैं भी नहीं खा रहा, ये वो, फिर बड़े अजीब सी सिचुएशन हो जाती है। तो मैं कहा अच्छा ठीक है, मैं कुछ ऑर्डर करती हूँ। और फिर चाइनीज़ फूड तो मेरा बहुत ही फेवरेट है, मतलब मुझे चाइनीज़ फूड ही चाहिए होता है, फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी चाइनीज़ फूड होती है। तो इतने दिन हो गए थे, मैं कहा चलो फिर मोमोज ही खा लेते हैं, फिर मैंने कहा चलो खाओ, बट यार गुड, बहुत ही अच्छे थे, बहुत अच्छे। ऑल दो रेस्टोरेंट्स बंद करने की नहीं थी, लेकिन यहाँ पे सिंगला लाइव मैंने तुम्हें आपको दिखाती, ये देखो सिंगला है, ये तक बंद हो रहा है यार, मतलब सीरियस ही है। हम लोग तो पता नहीं कब सुधरेंगे। कल रात को यू वोंट बिलीव 11 बजे हमने ऑर्डर करा था, रात को क्या मंगवाया था, पहले हमें लगा कि लॉन्ग कर्फ्यू है तो नहीं चल रहा होगा, हमने ट्राई के लिए खाना ऑर्डर करा है स्विगी से कि देखते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो मैंने ज्ञानी से फलूदा मंगवाया था, क्योंकि कल तक तो मैं बीमार थी ना, तो दैट रिमाइंड्स मी, फलूदा खाना है सेठी का। किसका? सेठी वाले का। सेठी भी बंद हो गया होगा इस हिसाब से, तो नहीं, नहीं, चलो नहीं, सेठी चलते हैं, दूर बहुत है, पर टाइम हो जाएगा, मतलब 10:30 हो गए हैं, नहीं पहुंच पाएंगे घर, नहीं हो जाएगा, तो चलो देखते हैं। और हाँ मैं बता रही थी, कल रात को ना मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा अच्छा कर्फ्यू लगे नाइट, तो फिर ये स्विगी देखी भी चलेंगे, तो कहते चल देखते हैं ट्राई करके। तो इन्होंने मंगवाया था चिकन टिक्का रोल आई थिंक मंगवाया था, बट वो सही नहीं था, उसमें कुछ चीज़ ना कुछ था ना उसमें प्रॉब्लम, नहीं दैट इज़ कि उसमें कुछ फ्राई था, चिकन टिक्का में फ्राई चिकन डालने का कोई मतलब नहीं उठता, तो मैंने उसे डीप फ्राई नहीं होता जैसे बिल्कुल ही, तो वैसा कुछ तो मैंने आई वॉन्ट टेक अ नेम ऑफ रेस्टोरेंट वहाँ से मंगवाया था, लेकिन हाँ तो मैंने फिर वहाँ पे स्विगी में मैंने कंप्लेंट करी एंड आई गॉट माय मनी रिफंडेड, लेकिन टेस्ट बिल्कुल, फर्स्ट टाइम हमारे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था कि चीज़ हमने हाँ ऑर्डर करी है और वैसी चीज़ हमें नहीं मिली, ठीक नहीं थी। और ये तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं डीप फ्राई वाला, ये चीज़ें नहीं खाते हैं, ऐसा काम करके दे रहा है। उसके बाद पता है फलूदा मैंने खा लिया, चलो है हम पंजाबी तो ऐसे होते ना कि वेस्ट नहीं करना, कोई चीज़ आए अंदर डाल लो अपने, वेस्ट नहीं करना, तभी हमारे साइज ऐसे होते हैं। तो उसके बाद ना कहते कि ना बाद में कहते कि ना फ्रिज में ना आइसक्रीम भी पड़ी है, आइसक्रीम भी कप आया था इसके साथ, मैं बड़ी खुशी खुशी गई, मैं कहा चल मेरा मूड थोड़ा अच्छा हो जाएगा वो ट्राई करती हूँ। उसे खोला, एक तो स्ट्रॉबेरी मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो तो ऐसे लगता है जैसे वो बच्चों की कोल्ड की दवाई नहीं होती, उसको दूध में घोल के और उसको जमा रखा है, वो इतनी बेकार। ये पुलिस ने राउंड लगाने स्टार्ट कर दिए और इसने राउंड लगाना शुरू कर दिया, बंद हो चुका है, चलो भर ले लो यार, अब तो काफी सीरियस माहौल हो गया यार, सेठी बंद हो चुका है गाइस, और पुलिस के सायरन आपको सुनाई दे रहे होंगे। मास्क नहीं पहना हुआ था, मास्क पहन लिया सतिंदर, आप भी मास्क पहन लो, मैं तो पहना होता है, नहीं मैडम चालान कट जाएगा। अब तो डर सा लग रहा है पता है, क्योंकि हमें आदत नहीं है ना, इस टाइम तक तो हम 10 बजे तक तो गुरुद्वारे से निकलते थे और पूरा चहल पहल हर चीज, और इस टाइम पता क्या हो रहा है, हर तरफ ना ये पुलिस की ये क्या है ये सायरन टाइप जो भी होता है, इतना अजीब सा लग रहा है, और अंधेरा खूब, मैं आपको दिखाती हूँ ये देखो, मतलब तिलक नगर मार्केट का ये हाल है, कैमरा ही नहीं वो हो रहा, अरे इससे होगा ना, इससे होगा, मैं आपको दिखाती हूँ देखो। हाँ जी हाँ जी, क्या हो बेटे, बस पहुँच गए घर, पहुँच गए, ये भी थोड़ी सी स्लीपी हो रही है, उसको भी घर ले, हाँ चल रहे हैं बेटे चल रहे हैं, ये देखो अभी तो आपको ऐसी लाइटिंग लग रही है लेकिन बिल्कुल सुनसान। हनूर बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, वैसे जनरली आगे खड़ी होती है, पता नहीं अभी क्या ओवर हो रही थी, तो मैंने इसको पीछे अपने पास ले लिया, बस पहुँचने वाले हैं घर। हाँ वैसे तो मैं एंड के टाइम पे बोलती हूँ, बट मैं अभी बोल रही हूँ कि अभी थोड़ा स्टार्टिंग है, आप सबका सपोर्ट चाहिए, धीरे धीरे हम और भी वीडियोस डालेंगे, जहाँ भी जाएंगे आप सबको दिखाएंगे, तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि हमें थोड़ा प्रोत्साहन मिले हम और वीडियोस बनाएं। मार्केट पूरी बंद हो चुकी है, मार्केट एक दुकान भी नहीं खुली, और अभी सिर्फ मतलब 9:35 हो रहा है, ठीक है यार, मतलब कोरोना चला जाए यार, मतलब
और पिछले साल वाली ना सेम सिचुएशन हो रही है, वही टाइम है ना, यही टाइम था और याद आ रहा है कुछ नहीं। मेरे बाबा जी सब ठीक कर रहे हैं बस, हम पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर थोड़ी उम्मीद है, ये हुए खड़े तो हैं पर हमारे मतलब अभी कोई उम्मीद नहीं है। आइसक्रीम मिल सकती है? नहीं मैं अभी, मेरा मन नहीं है, मेरा कुछ भी पेट आ रहा है, कल देख लेंगे। हमारे डॉक्टर साहब हनूर के, हाँ हनूर के डॉक्टर थे ये, बड़े रिसेंट मतलब हनूर के शुरू से हमने एक ही रखे थे, जब इसका बर्थ हुआ था तब भी इन्होंने फर्स्ट चेकअप इन्होंने करा था, तब से अभी तक यही है। सही है डॉक्टर एक ही होना चाहिए मुझे जहाँ तक लगता है कि एक, हाँ आपको डाउट है आप किसी और से एक बारी कोई भी अगर बड़ा डिसीजन है कुछ भी ऐसी दिक्कत है तो है ना एक बार कंसर्न कर सकते हो, लेकिन डॉक्टर एक ही होना चाहिए क्योंकि उसको ना आपकी सारी हिस्ट्री पता होगी। और कंसर्न अगर कोई अच्छा डॉक्टर होगा ना तो वो खुद ही कहेगा कि आप एक किसी स्पेशलिस्ट के पास या कहीं और भी कंसर्न कर लो, तो दे ओनली गाइडेड अस, अगर कहीं होती है कोई चीज़ तो वही लोग हमें गाइड करते हैं, अगर कोई अच्छा कोई भी डॉक्टर हो तो। मेरा भी मतलब मेरा मैरिज से पहले तो मैं ऐसे जो ही हर खांसी जुकाम बुखार ये सब तो मैं होम्योपैथी की लेती थी, हमारे वहाँ पर बहुत अच्छे हैं डॉक्टर उन्हीं से लेती थी। आफ्टर मैरिज हमारे घर के पास ही हॉस्पिटल है तो हनूर का बर्थ भी वहीं हुआ था, तो वहाँ के जो डॉक्टर है गायनी है तो उनको भी सारा पता है मेरा सारी सिचुएशन, तो उन्हीं को कंसर्न करते हो, जैसे मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी मेरठ में वहाँ दिखाया था इमरजेंसी में, बट स्टिल मैंने कुछ भी उनकी दवाइयाँ वगैरह नहीं करी, मुझे था कि मैं पहले अपने डॉक्टरों से एक बार कंफर्म कर लूँ उसके बाद ही मैं करूँगी। होता है यार एक फेथ होता है मतलब ना, खुद को ही लगता है कि नहीं उन्हें दिखाएं और उन्हें पता होना चाहिए हमारी सिचुएशन। गाइस हम घर पहुँच चुके और हैं, पुलिस की गाड़ियाँ घूम रही हैं। हाँ घर पहुँच गए हैं, अब जाते हैं, अब थोड़ा सा अब कोरोना की वजह से अब थोड़ा सीरियस लेना पड़ेगा, तो स्प्रे करेंगे चेंज करेंगे फिर आराम से बैठेंगे, इसको तो ये सोएगी, सुबह मैम का स्कूल भी है। हेलो और देखो डॉगी, डॉगी डॉगी कैसे करते हैं, कैसे करते डॉगी, कैसे करते डॉगी, हाँ कैसे करते डॉगी, बाबू 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 करते हैं, बाबू करके दिखा दो। चलो गाइस तो आज के लिए आई थिंक यहीं पर गली में एंड कर देते हैं। हाँ जी गाइस बाय बाय, प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल, सपोर्ट कीजिए, अच्छा कंटेंट दिखाएंगे आपको, तो सी यू टुमारो।